अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे, मैं आज जाऊंगा अपने तैयबू की तरफ, ठीक है ना। तो उधर जाके मैं आपको दिखाऊंगा चिड़िया वगैरह, ठीक है, वो काफ़ी उन्होंने रखी हुई हैं, वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। आज के व्लॉग में आपको पूरी डिटेल देंगे उनकी। तो आप लोग अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं आज, ठीक है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जनाब, असी तां नजर आराम ने गल करांगे, जरा पंजाबी च करांगे ताकि सारे नूं समझ आ जाए, ठीक है। तुसी सानूं ना आ जिहड़ियां चिड़ियां वा आ वालियां, तुसी थोड़ी जी सानूं इन्हां चीज़ दे बारे मालूमात दिवो ताकि साडे देखने वाले नूं जरा अच्छी तरह समझ आ सके ते ओह वी इन्हां नूं रख सकन। ते किहड़ी नसल आ पहले सानूं थोड़ा जिहा इहदे बारे च दस्सो। इहनूं कहिंदे आ जी फिंच, और फिंच दे विच इहनूं दस कहिंदे आ ज़ेब्रा फिंच। ज़ेब्रा फिंच कॉमन फिंच भी कहिंदे हैगे आ। अच्छा, सब तो मसलन जिहड़ी समझ लो कि चीप जां आराम नाल पलन वाली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये मतलब हैगी है जी। ये मतलब असं पिछले साल असं काम शुरू किया जी। अच्छा, तो सानू तो इन्हां दे बारे च कोई इन्ना पता नहीं सी हैगा, ठीक है। तो कुछ जिहड़े यूट्यूब तो देख के ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई हैगे अपने साढ़े साढ़े उस्तादा की जगह पर ही आ, मुश्ताक खटक है, उन्होंने मैं बहुत फॉलो किया, ठीक है जी, ठीक है जी। उन्हें दसे तरीके से मैं अंदर कॉलोनी बनाई है, और कॉलोनी उस तरह मैं मट्टियां लगाई हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो जे ताको किसी ने खरीदने होन तो इन्हों बारे तुसीं कोई अपनी लोकेशन दसो, कोई अपना मालूम दवो थोड़ा जहा। टोबा टेक्सटाइल अभी रहती हैं, टोबा टेक्सटाइल मोहल्ले इस्लामपुर रहने हैं। अच्छा, ठीक है जनाब, मोहल्ले इस्लामपुर आके मतलब अपने शेरबानी मस्जिद के करीब आकर लोकेशन पुछ सकते हो, ठीक हो गया। खालिद महमूद खान मेरा नाम है जी, ठीक हो गया। बाकी मजीद मैं तुम्हारा नंबर नीचे दे दूंगा, जो किसी भाई ने खरीदनी हो तो रबता कर लेगा। गल नहीं, अभी ताबेदार है जी, ठीक है। बाकी थोड़ा जिहा वास्ते दसो कि कदों तक अडल्ट हो जाएगा ये अपने जी पिंच जी ना, तकरीबन पिंच है जो बहती है ना मादी जी। अच्छा, वो तकरीबन समझो कि 12-13 दिन बाद ना अंडे जो बच्चा जो बाहर आ जाता, उस तू बाद तकरीबन 20-25 दिन बाद जरा बच्चा है ना वो मटकी जो बाहर आ जाता है, ठीक हो गया जी। तो तुम अपने ना अंदर मटकियाँ भी दिखाओ, ठीक है, बाहर जो कटिया ना हो तो मटकियाँ भी दिखाओ थोड़े अगर जाके, ठीक हो गया जी। मैं दिखाना ये अपने ना मुश्ताक खटक यासर खटक उन्होंने दसे तरीके से असं मटकियाँ लगाइया जी। मुश्ताक खटक साहब, हाँ जी, मुश्ताक MBA, ठीक हो गया यासर, हाँ जी। अच्छा, उस तो बाद मुहम्मद सैजान है गया, उन्होंने भी असं फॉलो करते हैं, इस्लामाबाद गलबन देंगे। अच्छा, सारी तकरीबन एक ही नसल है? हाँ जी, सब कॉमन फिंच ही है, ठीक हो गया। ज़ेब्रा फिंच सफेद भी है, भी है ज़ेब्रा फिंच, ये सफेद होंगे तो होर कि सफेद है, हाँ जी वाइट है, ठीक हो गया। इधर है चलते काम करता माशाल्लाह, ठीक है। बाकी मजीद इन्हों खुराक वगैरह जी कि इस्तेमाल करते हैं ये वास्ते? इस अपने जी अपने सिर्फ कंगनी पैंती है। अच्छा, कंगनी, हाँ जी कंगनी होंगी है सफेद कंगनी, ठीक हो गया। सर्दियों में आके ना थोड़ी जी लाल कंगनी शामिल कर ली दी है। अच्छा, उसके बाद एग ब्रेड जी ना वो असं इन्हों हफ्ते एक दफा दें, ठीक हो गया। तो बाकी मतलब सब्जियों के अपने मटर हो, लौकी हुई। अच्छा, सब्जियां भी इस्तेमाल कर देने वास्ते तुसी? सब्जियां छोटी छोटी करके ना। अच्छा, इन्हां नूं अपने धनिया पुदीना, ठीक हो गया, लूसन वगैरह जिहड़ी भी चीज़ मिल जाए, लूसन तो बहुत घट मिलता है इत्थे। अच्छा, हाजी कोई इस तरह की चीज़ जिहड़ी है ना वो इन्हां नूं छोटा छोटा करके ना अंदर पा दी दी आ, तो फिर खा लैंदे बड़े शौक नाल, ठीक है।
बाकी ये कोई साढ़े वीडियो देख के ताड़े को परचेज करने वास्ते खरीदने वास्ते आवे तो ठीक है थले नंबर दे दियो ते असि ताबेदार हैगे आ ठीक है नहीं उन्हां नाल कोई गुंजाइश वगैरह होएगी कोई प्यार मोहब्बत हां जी बिल्कुल थोड़े वीडियो थोड़े चैनल दे हवाले नाल अगर साडे नाल कोई رابطہ करदा ते इंशाल्लाह मिली तुसी बहुत गुंजाइश कर दे चलो ठीक हो गया जी बहुत शुक्रिया तुसी सानू आज दे लिए मालूमात दित्ती बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो च असि होर भी मालूमात लवांगे इंशाल्लाह कोई मैं ताबेदार हूं ठीक होगा जी अस्सलाम वालेकुम बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट फिर कोई और मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हमारे पास और अंदर आपको मैं दिखाता हूँ इधर हमारे पास और भी मौजूद हैं ये आप देख सकते हैं चाइना डव इनका नाम चाइना डव है ठीक है हम इंशाल्लाह आपको इनके बारे में भी मालूमात देंगे ठीक है अगर इंशाल्लाह आप हमें इस वीडियो पर सपोर्ट करते हैं तो हमें इंशाल्लाह आपको और भी इसकी मज़ीद मालूमात भी देंगे इंशाल्लाह इस चैनल पर तो आप लोगों ने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हमारी लाइक कर देना ताकि आपको इधर सारी मालूमात मिल सके तो बाकी आप लोगों ने देख ही लिया है इनको ये ज़ेब्रा फिंचेस आपको आज दिखाई हैं तो अगर किसी को चाहिए हो तो लाजमी तौर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे तो हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।